shit. नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। कौन सा दिखाते हैं, तो चलिए खुला हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बारिश हल्का हल्का हो रहा है और चलिए दिखाते हैं सांप कहाँ पर फंसा हुआ है। कहाँ पर है ये सामने, ये सामने, सामने एकदम आपका सामने, और आगे गाड़ी है, सामने गाड़ी के नीचे। हाँ हाँ, थोड़ा सा सामने आकर देखिए, टॉर्च बंद कर लीजिए। फोर व्हीलर के नीचे किस प्रकार से एक, जिसे हम लोग इंग्लिश रॉक पाइथन, हिंदी अजगर, बांग्ला मोयल के नाम से जानते हैं, ये जो है अजगर सांप है और इसमें कोई जहर नहीं पाया जाता। लेकिन अजगर सांप को पकड़ना मतलब एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बराबर होता है। इसमें इतना ज़्यादा ताकत पाया जाता है, अपने शिकार को कुंडली मार कर अपना उनका जान निकाल देता है। चलिए पहले देखते हैं, थोड़ा सा हट जाइए आप लोग। इसे ही हम लोग रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे रसल वाइपर समझ के देखिए हमला करेगा। नहीं है ना, थोड़ा सा चुपचाप रहिए। आजकल फोर व्हीलर के ऊपर इंसान कम और सांप ज्यादा रह रहे हैं। ये अगर आपको बाइट कर लेता है तो डरने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी जहर नहीं पाया जाता। ये जो है बहुत खतरनाक वाला हिशिंग साउंड निकालता है। उसका हिशिंग साउंड देखिए, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो तुरंत ये हमें बाइट कर लेगा। अपने जीभ को निकाल कर रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को ये फील करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों के घर में जो ही सांप निकलता है, लोग हमें सूचना देते हैं फोन के माध्यम से, और हम लोग सांपों को रेस्क्यू करके किसी बिग फॉरेस्ट में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम बन चुका है। और हम लोग अगर नहीं जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसे मार डालेंगे। तो हम लोग उससे अच्छा हम लोग बचा देते हैं। थोड़ा बहुत कला सांप को पकड़ने में हम लोग को मालूम है, इसलिए सांप को पकड़ लेते हैं। अगर आप लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं तो आपके साथ कभी भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सांप में जहर है, कौन सा सांप में जहर नहीं है, ये आप लोगों को मालूम नहीं होता है। अगर हाथ में कुंडली मार दे तो फिर हाथ हमारा टूट जा सकता है। वीडियो को देखकर नकल कॉपी करने का कोशिश ना करें, क्योंकि कॉपी के चक्कर में हर एक दिन लोग मारे जाते हैं। रसल वाइपर जो भारत का 4 नंबर सबसे जहरीला सांप होता है, उसको अजगर समझकर लोग पकड़ने का कोशिश करता है। और एशिया का सबसे जहरीला सांप होने के कारण लोगों को अगर बाइट कर लेता है तो फिर मरना निश्चित है, मरना तय है। इसीलिए कोई भी सांप को अगर स्नेक सेवर आप लोग बनना चाहते हैं तो पहले ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो काट लेने के बाद, कोई भी सांप अगर आपको काट ले तो हार्ट अटैक से जान जाना निश्चित है, ये भी सुनकर रखिए। क्योंकि सांप 95% सांपों में जहर नहीं पाया जाता, और 95% लोगों को काटने के बाद उनका हार्ट अटैक, पैनिक से मौत हो जाता है। यही एक सच्चाई है दोस्तों। इसका कुल लंबाई हमारे भारत देश में 25 फीट का पाया गया है, और ये अभी छोटा सा बच्चा है, बेबी रॉक पाइथन है। दांत इसका जो है बहुत सारा इसके जबड़े के अंदर, जबड़े में देखिए, दांत देखिए, आरी से भी तेज तरार दांत। दांत देखिए, सर दांत देख लीजिए,
ये दांत अगर आपके शरीर के अंदर घुसता है उसके बाद ये जो है 100 ग्राम मीट 100 ग्राम मांस लेकर ही छोड़ेगा। देखिए हमें भी दांत लग गया। देख तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कौन सा सांप है जहर पाया जाता है और कौन सा सांप है जहर नहीं पाया जाता। क्या पूछ रहे थे भैया कौन सा सांप है? ये वाला अजगर है। हाँ अजगर। तो दोस्तों हाँ बच्चा है 25 फीट का हमारे इंडिया में पाया गया है। और भैया अभी लंबाई कितना होगा? लंबाई इसका 6 फुट 7 फुट 6 फुट से 6 फुट 6.5 फुट। ये अपने मुंह को 180 डिग्री खोल लेता है और खोलने के बाद अपने से 4 गुना बड़ा आहार करने में सक्षम है। ये जो इसका शरीर है ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, इतना मोटा हो जाएगा अगर कोई भोजन करता है। और एक बार भोजन करने के बाद ये जिंदा ही भोजन करता है, कोई भी चीज को अगर भोजन करता है बड़ा चूहा हो जाए या फिर चिकन हो जाए ये जिंदा ही उसको खाता है, मरा हुआ दीजिएगा तो नहीं खाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।